नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोन पे में अपना यूपीआई पिन रीसेट कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे कि आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा और आपको यहाँ पे अपना लॉग पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको सिंपली सबसे ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट आपको अकाउंट दिखेगा। आपने जितने भी बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको जिस भी बैंक अकाउंट का आपको रीसेट करना है उस पे आपको चले जाना है। जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रीसेट और चेंज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली रीसेट वाले ही ऑप्शन पे जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही रीसेट वाले ऑप्शन पे आएंगे आप यहाँ पे आपका जो भी बैंक रहेगा वो दिखा दिया जाएगा। और आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपका जो बैंक का 4 मतलब 6 डिजिट का कार्ड नंबर है लास्ट का, वो डालना है। और आपको यहाँ पे आपके जो एटीएम की जो होती है एक्सपायरी डेट वो डालनी है। और आपको नीचे सिंपली प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो लास्ट के 6 डिजिट है वो इंटर कर लेते हैं। तो अगर हम आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फिर आपको एक्सपायरी डेट लास्ट में डाल लेनी है। फिर उसके बाद आपको सिंपली प्रोसेस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बैंक के थ्रू ओटीपी मिल जाएगा। तो ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद हमको यस पे क्लिक कर देना है। फिर आप ऊपर साइड में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एटीएम पिन इंटर करने के लिए आ रहा है। तो आपको जो भी आपका एटीएम पिन है वो इंटर यहाँ पे आपको कर देना है। तो जैसा कि एटीएम पिन इंटर कर लेना है उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे यूपीआई पिन सेटअप करने के लिए बोलेगा। तो आपको 2 बार यूपीआई पिन सेटअप सिंपली आपको कर लेना है। जो भी आपको यूपीआई पिन रखना है वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। 2 बार आपको यूपीआई पिन सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे कर देना है। तो जैसा कि आप देखेंगे सारे स्टेप होने के बाद ये आपका वेरिफिकेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीआई पिन सक्सेसफुल सेट। तो इस तरीके से आप अपने यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना यूपीआई पिन, जैसे आपको पासवर्ड पता है, आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली चेंज का ऑप्शन पे जाना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपना ओल्ड यूपीआई पिन डालना होगा। तो चलिए ओल्ड यूपीआई पिन हम डाल लेते हैं। आपको यूपीआई पिन डालने के बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना होगा। फिर आपको सिंपली यहाँ पे न्यू यूपीआई पिन सेटअप कर लेना होगा। 2 बार आप सेटअप करके इसको फिर से सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी आप सिंपली आराम से सेटिंग करके आप यूपीआई पिन फोन पे में चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत अगर होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपका काम हो चुका होगा। अगर काम हो चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।